फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बनके बहुत ही अच्छी तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है। आप मेरी रेसिपी को देखने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें, आगे शेयर भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको मेरे मिलते रहें। आइए, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एक करी बनाने के लिए। करी बनाने के लिए यहाँ हमने 5 अंडे ले लिए हैं और अंडों को मैंने अच्छे से पिक कर लिया है सब तरफ से, ताकि अंडे कुक करते टाइम चटके नहीं। और अब हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। फ्राई हो गए हैं, कलर अच्छा आ गया है, हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको अच्छे से रफली चॉप कर लिया है। यहाँ टमाटर प्यूरी ले ली है मैंने, 2 टमाटरों की मीडियम साइज़ के। यहाँ कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं मैंने, इसमें तेज़पत्ता है ये, कुछ काली मिर्च ली है, 4 मैंने इलायची ले ली है और ये 4 से 5 लौंग है। हमें क्या करना है, हमें इसमें डाल देना है। और ये थोड़ा सा मैंने ये ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, इसे भी हम डाल देंगे। अब हमने जो प्याज चॉप करी है हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक प्याज को कुक करना है, हमें इसमें डार्क कलर नहीं चाहिए। और साथ ही में मैं इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी, 4 मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, इसको भी साथ में ही मैं इसके फ्राई कर लूंगी हल्की गुलाबी होने तक प्याज को। लाइट कलर आ गया है प्याज में, अब हमें इसमें 2.5 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ अब हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही में टमाटर प्यूरी भी डाल देंगे हम। अब यहाँ मैं नमक भी ऐड कर दूंगी इसमें और कुछ स्पाइसेस भी डालूंगी। ये रेड चिली डाल दी है मैंने, रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 से भी कम मैंने ये हल्दी पाउडर डाल दिया है। सब मसाले को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत अच्छा कलर आ गया है, अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करूंगी। हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। अब हम अंडे के साथ थोड़ा इसे कुक कर लेते हैं। अंडे के साथ भी हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको अच्छे से कुक करते हुए चला लेंगे। और आप इसमें, अगर इसमें आप थिक पसंद करते हैं तो आप थिक रखें इस ग्रेवी को, और अगर इसको आप थिन करना चाहें तो थिन भी कर सकते हैं आप। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि तो मुझे इतनी ज़्यादा थिक नहीं चाहिए ग्रेवी। मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का चलाते हुए कुक होने दूंगी, फिर हम इसे आप सर्व करेंगे। करी बनके तैयार हो गई है, आप इसमें हरा धनिया भी चाहें तो डाल सकते हैं या आपकी चॉइस पर है। मैं इसको निकाल लूँगी, अब प्लेट आउट करते हैं हम। एक करी बनके तैयार है, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको मेरे मिलते रहें।